सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी? होप कि सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कुछ इस प्रकार की न्यू सिंगल बॉय एटीट्यूड स्टार्टर वीडियो कैसे बना सकते हो। और आप इस प्रकार की वीडियो बनाना चाहते हो, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए, ओके। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना, और भी स्टेटस एडिटिंग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काइन मास्टर को डाउनलोड कर लेना। अगर आपको काइन मास्टर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम में मैसेज कर देना, वहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट लिंक सेंड कर दूंगा। नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हो, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ओके। डायरेक्ट लिंक नहीं से देख सकता यूट्यूब पर, ये यूट्यूब कम्युनिटी गाइडलाइन के खिलाफ है, इसलिए नहीं डालता हूँ। अब गाइस, एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, वीडियो एडिट करने के लिए कुछ मैंने एडिट कर रखा है और कुछ इसमें आपको एडिट करना पड़ेगा, ओके। तो वन बाय वन में मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना है, वही सब आपको करना है, फिर आप वीडियो को बिल्कुल भी आसानी से बना पाओगे। तो गाइस, वीडियो बनाने के लिए आपको इस प्रकार से काइन मास्टर में आ जाना है, फिर आपको प्लस आइकन पे क्लिक करने के बाद यहाँ से विजुअल साइज को सिलेक्ट करना है। अब गाइस, इसको सिलेक्ट करने के बाद सेटिंग में जाना है, एडिटिंग में जाकर फिल स्क्रीन कर देना है। अब फिल स्क्रीन करने के बाद ये मीडिया पे क्लिक है, आपको मीडिया पे क्लिक नहीं करना पड़ेगा। आप ये काइन मास्टर डाउनलोड कर रहे हो, यूज कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये वीडियो को एडिट करना है, फिर आपको जला फोटो को एड करना है। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, लेकिन यार डालूंगा तो यूज जरूर करना है, क्योंकि मेरे डालने का फ़ायदा क्या होगा, ओके। आप गाइस, क्या करना है, ये इमेज सेलेक्ट करने के बाद अपनी कुछ इमेज को सिलेक्ट कर लेना है, 2, 3, 4, 5 जितना इमेज आप सिलेक्ट करना चाहते हो उसको आप सिलेक्ट कर लेना, ओके। तो इस प्रकार से मैं 2 से 3 इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ, 3 से 4 इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैंने कुछ इमेज को सिलेक्ट कर लिया, आप लोग देख सकते हो। और इसमें हम कुछ बेसिक ट्रांजिशन ऐड करेंगे यहाँ पे, तो गेट मोड पे क्लिक करना है आपको और अपने इंटरनेट को ऑन कर लेना, ओके। जब इंटरनेट पे ऑन कर ले तो गेट मोड पे क्लिक करके थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आपको आपके सामने इस प्रकार ऑप्शन आ जाएगा। एक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ से जो आपको एक दिखाई दे रहा होगा ना, क्रोमेटिक जूम करके ये डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ से जो भी आपको अच्छा लगता है वो उसको डाउनलोड कर लेना, ओके। अब इसको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से हम क्रोमेटिक जूम को यहाँ से यूज करते हैं, जिसको मैंने बताया था आपको डाउनलोड करने के लिए। इस प्रकार से मैंने इसको एड कर लिया, ओके। अब इसको इस प्रकार से ट्रिम कर देना है इस वीडियो को, थोड़ा इस साइड से और इस साइड से थोड़ा ट्रिम कर देना, आप देख लेना अपने हिसाब से, ओके गाइस। सो गाइस, ये दोनों इमेज मिला के, मतलब इमेज और वीडियो मिला के हम जो लेंथ रखेंगे 3.6 सेकंड, ओके। तो 3.6 सेकंड में जाने के बाद फिर कैसे आइकन पे क्लिक करेंगे, इसको ट्रिम कर देंगे। गाइस, अगर वीडियो बनाना चाहते हो तो आप यही क्रोम, सॉरी गाइस, यही वाला काइन मास्टर यूज करना, नहीं तो आप जो है ना इस प्रकार वीडियो नहीं बना पाओगे अगर आप पुराने वाला काइन मास्टर यूज करते हो तो। अब गाइस, इसको करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे अब आपके साथ मतलब उसी है, आपके चॉइस है कि आप इस प्रकार की इसको किस साइड से, मतलब किस हिसाब से इसको ट्रिम करना चाहते हो अपनी फोटो को, तो ये आपका चॉइस है, ओके। तो मैंने इस प्रकार से ट्रिम कर दिया। आप कैसे करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिप काफी इस पर क्लिक करना है, जब आपको दिखाई देगा स्वीट लिस्ट करके, तो आज इसको तो इस प्रकार से एड कर लेना, ओके। तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हो बीटसेंस ऐप से, अगर आपको बीटसेंस ऐप से क्लिप काफी की डाउनलोड करना नहीं आता है, तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो उस वीडियो को जाकर आप देख सकते हो कि उसमें कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वीडियो लेंथ तो मतलब वीडियो का जो लिंक होगा वो वहाँ पे लिखा होगा हाउ टू इंस्टॉल कॉल मीडिया, तो उस पर क्लिक करके जाके देख सकते हो, ओके। और इसको इस प्रकार से एड करने के बाद क्या करना है, इस पर आपको ट्रांसन एड कर लेना, मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई सा भी ट्रांसन इस प्रकार से एड कर लेना, ओके। अब यहाँ पर मैंने इस प्रकार से एड किया, आप लोग मैं दिखा देता हूँ, देखो, ओके। इस प्रकार से बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब ऐसे करेंगे, इसमें भी हम क्लिप काफी स्विच कर लेंगे, इसका नाम है सिस्टम। तो इस प्रकार से आपको एड कर लेना है, जो भी आपको अच्छा लगता है इस प्रकार से एड कर लेना है, और इसमें भी इस प्रकार से क्लिप काफी एड कर लेना है, कॉल मी डीजे जो भी आप एड करना चाहते हो, तो मैं कॉल मी डीजे एड कर रहा हूँ, ओके। बस आगे कुछ भी नहीं करना है, बस अच्छे से आपको मतलब एक क्लिप काफी स्विच कर लेना कोई सा भी, और इस प्रकार से अच्छे से आपको कर देना है, तो आपकी वीडियो मतलब अच्छी ही लगेगी देखने में, क्योंकि मुझे पता है गाइस, और मैं वीडियो एडिट करता हूँ इसलिए। अब गाइस, क्या करना है आपको, यहाँ पे लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, डन। आपको ये लाइट फेयर वीडियो को एड करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब गाइस, इस प्रकार से एड करने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर क्लिक कर देना है, इसका ब्लेंडिंग में जाके स्क्रीन कर देना, ओके। अब स्क्रीन करने के बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है, और डन। आपको ये फिर से दूसरा वाला लाइट फेयर वीडियो को एड करना है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। एड करने के बाद फिर आपको इस पर क्लिक करना है, इस प्रकार साइज को बढ़ा देना है और ब्लेंडिंग में जाकर इसको भी स्क्रीन कर देना है, डन गाइस। ये इस पर थोड़ा छोटा हो गया, थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, इसका एक डुप्लीकेट निकाल लेंगे, इसको इस साइड से लगा देंगे, मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। इस प्रकार से इस पर आप प्रेस करके रखोगे और इसको स्लाइड करोगे तो ये साइड चला जाएगा, ओके। आप लोग देख सकते हो गाइस, बस ये जो हमारा जो इमेज रहेगा उसका लेंथ थोड़ा आप कम ही रखना तो अच्छा लगेगा देखने में, ज़्यादा रखोगे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, और कम रखोगे ज़्यादा अच्छा लगेगा, ओके। अब इस प्रकार से करने के बाद
यहाँ से इस प्रकार से हो चुका है। आप लोग देखते हो फिर और भी इमेज सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हो गाइस। सो गाइस अब आपको क्या करना है, लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है और डन। आपको यहाँ पे क्या करना है, लेयर मतलब ये जो टेक्स्ट PNG को आपको डाउनलोड करके एड कर लेना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मतलब जो मेटीरियल फाइल का लिंक होगा ना वहीं पे डाल दूंगा। ओके तो वहाँ पे आपको सब चीज मिल जाएगा और इसको एड करने के बाद इस प्रकार साइज को बढ़ा देना है और यहाँ से और इसको सही से एडजस्ट कर लेना बीच में और इस प्रकार से लेंथ एंटर कर देना है। अब इसका करना है यहाँ से इसको इस प्रकार से यहाँ तक इसको नहीं रखना है यहाँ तक, और जैसे आपका इमेज शुरू हो जाता है इसको इस साइड से ट्रिम कर देना। ओके और जो लाइट इफेक्ट रहेगा ना इसको थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट कर देना। ओके इसको भी कर देना। अब इस प्रकार से करने के बाद ब्रिंग टू फ्रंट करने के बाद फिर आपको लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे क्लिक करना है डाल। आपको ये लाइव वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में जो कि मैंने इंस्टाग्राम रील से डाउनलोड किया है, तो इसमें टाइटल लिखा होगा आपको सॉन्ग करके, तो आप इसको डाउनलोड कर लेना। ओके अब बाद में मत बोलना कि सॉन्ग कहाँ पर है, तो ये हमारा सॉन्ग हो गया। अब क्या करेंगे, इस वीडियो कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे एक्सट्रैक ऑडियो पे और इसका एक्सट्रैक ऑडियो निकाल लेंगे। यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपके पास पुराना काइन मास्टर है तो वहाँ पे आपको इस पे क्लिक करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा। ओके अब इस वीडियो को हम डिलीट कर देंगे, इस पर हमारा कोई काम नहीं है। ओके अब गाइस क्या करते हैं, वीडियो सारा प्ले करके वो दिखा देता हूँ किस प्रकार बनी है। तो गाइस वीडियो देखने में बहुत भी फिर भी अमेजिंग लग रही है, फिर आपको शेयर आइकन पर क्लिक करना है, अपने क्वालिटी को सिलेक्ट करके अपनी वीडियो को सपोर्ट कर लेना है। सो गाइस आज का वीडियो होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। सो गाइस चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो गाइस मैं आपको बता दूं कल जो वीडियो आएगी होली के ऊपर आएगी, तो कल वाली वीडियो को जरूर देखना, मिस मत करना, जरूर से जरूर देखना। ओके सो गाइस बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।